अब ये जो साथी है ये सारे हरियाणा पुलिस के उम्मीदवार हैं। आपको स्थिति ये है कि हरियाणा पुलिस के उम्मीदवारों ने टेस्ट भी दे दिया, इंटरव्यू भी दे दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगी, सब कुछ हो गया। तो आपने देखा होगा जिस तरह कल रख की भर्ती रद्द होगी, सारा प्रोसेस पूरा होने के बावजूद भी रद्द कर दी। अब वो भर्ती जो रद्द की है इन्होंने, अब बात आ गई हरियाणा पुलिस की। अब हरियाणा पुलिस की भर्ती भी कोर्ट में फंसा रखी है। अब सवाल ये है, जितनी भी भर्तियां कैंसिल हो रही हैं तो उसमें कैंडिडेट की क्या कमजोरी है, कैंडिडेट की क्या गलती है? यह जो HSSC है, या तो इसको बंद करो, इनको सस्पेंड करो, चेयरमैन को भगाओ। इसमें जो उम्मीदवार है बच्चे, उनकी कोई गलती तो नहीं है ना? अब क्या हो रहा है कि कोर्ट में तारीखें, अब वो चलता रहेगा 2024 तक। सरकार कोई पैरवी नहीं करती, अपने वकील को नहीं भेजती, और स्थिति ये हो रही है कि हरियाणा पुलिस के 50,000 जो उम्मीदवार है, जो पूरा प्रोसेस फॉलो कर चुके हैं, जिनकी लिस्ट लगनी है, उनको भी अटका के बैठा दिया। इसको लेके 7 तारीख को रोहतक बीजेपी का मुख्यालय है स्टेट का, उसका घेराव करेगा। वो क्यों करना पड़ा घेराव? वो इसलिए करना पड़ा कि जो पहली बात तो हरियाणा पुलिस में 25,000 वैकेंसी खाली है, 25,000। आप देख रहे हो क्राइम, कितना क्राइम है। जब बात आती है तो VIP ड्यूटी पे पुलिस वाले मिलते हैं, 100 पुलिस वाले तो मेरे जानकार हैं, वो ये कहते हैं भाई साहब कित ड्यूटी कर रहे हैं, स्टाफ तो नहीं है। अरे लगड़ने भारत तैयार रहे, 10,000 लड़कियां, 40,000 लड़के हैं, 10,000 लड़कियां तो चल, लेकिन उसके बावजूद सरकार उसको लटका रही। तो हरियाणा के अंदर जो बेरोजगारी का हाल है, भर्तियां जिस तरह से पहले टेस्ट ले लेते हैं तो उसका फिर आउट हो जाता है, फिर वो ठीक ठाक हो भी तो फिर उसमें कितना इंटरव्यू फंस जा, वो कितना कोर्ट में फंस जा, अर्ज लाग में जा, वो उन भी हटा दें। तो मैं जितने बेरोजगार साथी हैं उनसे मैं ये अपील करता हूं, या तो घर से निकल लो, नहीं तो भाई साहब तुम्हारे को पूरी तरह घर पर बैठा देंगे। मैं अभी उस लड़के के पास, परिवार के पास गया जिसने सुसाइड करी। वो लड़का पिछले 3 साल से लगातार प्रैक्टिस कर रहा था, टॉपर लड़का था, टॉपर, 4.5 मिनट में 1600 मारता था, 4.5 मिनट में 1600 मीटर की रेस, एक ही सपना था खोज में लागू। ओवरेज हो गया भाई साहब, 5 लाख वाला कार्मी के रोडा पर तैयारी कर रहा है रोज हरियाणा में। वो देश की सेवा करना चाहते हैं, देश के लिए जान देना चाहते हैं, लेकिन उनको अपनी जान देनी पड़ेगी। बेरोजगार इतने मानसिक रूप से टूट चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूं, और बेरोजगारों की बगावत का सामना करने के लिए अब तैयार हो जाए सरकार। भाई साहब मानसिक रूप से पीड़ित हैं, आर्थिक रूप से पीड़ित हैं, 2-2, 3-3 साल तैयारी हो ली, कुछ भर्तियां तो ऐसी पिछली सरकार में चली थी, अभी तक नहीं हुई। तो मैं बेरोजगारों को एक बात कहूंगा, इस सरकार को मार के जिंदा रहना है, सुसाइड नहीं करना है, खुद नहीं मरना है, सरकार को मरना है, सरकार के हाथ पैर तोड़ने। तो साथियों 7 तारीख का रोहतक का मानसरोवर पार्क में 11 बजे इकट्ठा होंगे वहां से। और मैं तो ये कह रहा हूं, तुम क्यों फांसी खाओ भाई? फांसी खानी चाहिए मुख्यमंत्री ने, फांसी खानी चाहिए नेताओं ने। फिर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी कह रहे हैं, दुष्यंत चौटाला के कह रहा है थोड़ा इंतजार कर लेता। बोला कितना इंतजार करे है? 50 साल का इंतजार करे, कितना इंतजार करे है? बोला हरियाणा पुलिस की भर्ती आ रही थी, आ रही है हरियाणा पुलिस की भर्ती, आ रही करवाऊंगी, दिवाओ रिजल्ट। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान सुना मैंने, हरियाणा पुलिस की भर्ती भी आवा थी, थोड़ा कितना देखा है,
ग्राम सचिव हुए पटवारी 7 साल हो गए, उन्हें कितने दिन इंतजार कर सके भाई सब कोई। तो ये सरकार जो 5 लाख पद है वो राज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, हम तो चाहे तू 200 साल जीवे, इन बड़का ना भर्ती करते 5 लाख, हम भी केक काट लेंगे। अरे नहीं तो केक की तो गोबर खाने का काम कर रहे हैं, गोबर खाने का केक खाओ यार, जन्मदिन है हम लावेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम केक कटवाएंगे और सारे बाल काटेंगे, जितने भी बेरोजगार हैं सारे काटेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी जन्मदिन है आपका 200 साल जी, लेकिन इन बड़का ना रोजगार दे, केक खाना कोई बात, बेरोजगार खावे गोबर और यो खावे केक, यो के मतलब है भाई, गोबर खाना काम कर रहे मुख्यमंत्री, तक्के खावे बेरोजगार। 7 तारीख ने बीजेपी कार्यालय का घेरा होगा स्टेट ऑफिस का, सारे बेरोजगार देखे हैं, कोई जरूरत नहीं है सुसाइड करने की, कोई जरूरत नहीं है मरने की, सरकार ने मारा गई, सरकार के हाथ मत हो गए, बस ये था भाई साहब। और इसके अलावा एक और चीज है बड़ी अजीब, शिक्षा मंत्री 10वीं फेल, आज बांट रहा है टेबलेट बच्चों को, 5 लाख बच्चों को टेबलेट बांटने के रहा। अरे तो 5 लाख बच्चों को टेबलेट बांटेगा, 10वीं फेल है, उन्हें चलाड़ा कुंड सिखा होगा, 50,000 वैकेंसी एजुकेशन में खाली है, 50,000 मास्टर का पद खाली है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उन्हें भर्ती कर देना, उन्हें तो भर्ती करे नहीं, टेबलेट बांट दिए बोला, तो टेबलेट बांटने का टीचर बांट दे, 50,000 वैकेंसी खाली है टीचर बांट टीचर। और मैं तो एक आज उसने डिग्री दिखा कर जानी चाहिए थी, बड़ा क्या सोचेंगे भाई साहब, 10वीं फेल और शिक्षा मंत्री, मास्टर क्या सोचेंगे, मास्टर के लिए तो सारे पढ़े लिखे आ रहे मास्टर पे अनपढ़ आदमी बता रहे, और फिर नु कहे संविधान ने मुझे ताकत दी है, 10वीं फेल शिक्षा मंत्री हो सकता है तो 10वीं पास सरपंच की क्या जरूरत है बरे, जब 10वीं फेल करके फेल हो गए कोई शिक्षा मंत्री बन सके तो सरपंच 10वीं पास की क्या जरूरत, भाई सरपंच 10वीं पास होना चाहिए, एक गांव न संभालने वाला तो 10वीं पास हो, और पूरे स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट को संभालने वाला 10वीं पास, बड़ी अजीब सिस्टम है, पूरे देश में बेइज्जती होने लग रही है। अगर हरियाणा का शिक्षा मंत्री 10वीं फेल है, अरे दाद दे लो, क्योंकि मैंने नुकी थी डिग्री तो दिखा दे, वो डिग्री दिखाता हूँ ना दिन क्या लग रहे हो, 8वीं फेल है 10वीं भी कौन है भाई साहब। तो इसलिए हम इस दस हम ये सरकार से भी कह रहे चुनाव भी आने हैं, अरे जब मुख्यमंत्री बन सके है 10वीं फेल, शिक्षा मंत्री बन सके है, प्रधानमंत्री बन सके है, तो सरपंच आ गया डंडा क्यों दे रहा, क्या भाई जी ने सरपंच का चुनाव लड़ना है, उसने 10वीं पास करवाने की जरूरत है, तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना फिर, अरे सरपंच का क्राइटेरिया तो फिर एमएलए का भी क्राइटेरिया हो भाई, सरपंच का निगम पार्षद का निगम क्राइटेरिया बना दिया, एमएलए का क्यों नहीं हो क्राइटेरिया, उसकी कम से कम बीए हो, एमपी बना है कम से कम एमए हो, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इसमें क्या गलत हूं मैं भाई, जो निचरले आदमी का डंडा दे दो तुम्हें, सरपंच का निगम पार्षद का ये पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्या करना पड़ रहा है, अपनी डिग्री नहीं दिखाता, अपनी डिग्री दिखा दे, जो ट्वीट और ट्वीट कर रहे हैं फेसबुक पे डाल रहे हैं, पढ़ ले आपके मैं पढ़ रहा हूं तो डाल दे डिग्री, तो भाई साहब ये रोहतक में जमीन का क्या इशू चल रहा है, गोल्ड संस्था की क्या जमीन का मामला, ये गोल्ड संस्था का 16 एकड़ जमीन ब्राह्मणों की थी, ब्राह्मणों की 16 एकड़ जमीन थी 2009 का मामला, और वो गोड संस्था ने प्रावर गांव में जो ब्राह्मण गांव है गोड संस्था होती थी, आगे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाओ, पिछली सरकार ने भी ऐसे ही अटकाए रखे, इस सरकार ने भी अटका 13 साल हो गए, निगम ने बोर्ड लगा रखा था, हमने जाकर बोर्ड पाट दिया, हमारी जमीन तुम कुर्ती से तिली वही ब्राह्मणा की जमीन कौन है, तो हम तो नहीं देते सरकार ने, ईब सरकार ने कहे 8 करोड़ को पहले दे कर दे, जमीन नहीं निगम की है, ईब ने कहे जमीन तो बामना की है पर 8 करोड़ दो, 8 करोड़ फिरौती मांगा, ये बामना दे सरकार है क्या क्या 8 करोड़ दे, बोला डेवलपमेंट चार्ज उसने देखा हो नू के नू किले खाली पड़े, क्या डेवलपमेंट है,
8 करोड़ रुपए क्यों देंगे तुमने हमें? आठ आने ना दे, हर जमीन ले कति अपने डंके की चोट पर लेनी। 22 तारीख ना उड़े जयंती मनावे हैं, उड़े मनावेंगे, अरे परशुराम भगवान का मंदिर मनावेंगे। जी सरकार तो रोक क्या जा, रोक के देख लियो और के कर्ज क्या सरकार बता, केस कर्ज का वो कर रखा है, जेड़ में गिर इसका गिर देगी, जीड़ा मरना बोले नाथ के हाथ में भाई साहब। और मैं तो पंडिता तक हूँ, जितने भी सुना है देख लियो, ये सरकार तम न कति जानते मारेगी, घर मदा भी तो मारेगी, जमी खड़े हुए।